साथियों, सबसे पहले तो मैं कमल भारती जी के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करती हूँ और मैं मानती हूँ कि जो हुआ बहुत गलत हुआ और कमल भारती जी पे लगे तमाम मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। लेकिन इसके साथ मेरी कुछ चिंताएं हैं जो हम पिछले समय से लगातार देख रहे हैं। मेरी बहने एक 3 पंक्तियों की छोटी सी कविता लिखी थी, आओ ब्लॉक ब्लॉक खेले, आओ गिरफ्तारी गिरफ्तारी खेले, आओ गोली गोली खेले। ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जहां राज्य से शुरू होती है वहां एकदम निचले लेवल में भी चली गई है। आज जो अपने आप को अभिव्यक्त करना कितना मुश्किल हो गया है हम सभी जानते हैं। हमारे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं और फेसबुक जिसको हम कभी सीरियस नहीं, कभी तो बहुत सीरियस ले लेते हैं कि गिरफ्तारी तक हो जाती है और कभी बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं। सोशल मीडिया के नाम पर जो मेरा मानना है कि फेसबुक बहुत एक स्ट्रॉन्ग माध्यम है और ये साबित किया है कमल भारती जी की गिरफ्तारी ने और जो बॉम्बे की दो लड़कियां थी उनकी गिरफ्तारी ने साबित किया है कि फेसबुक सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से जो चल रहा है जिस तरीके से एक छोटी छोटी बात पर भी लोग ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को। अगर आप कुछ लिखते हैं बिना नाम के लिखते हैं तो भी ब्लॉक हो जाते हैं, नाम लिखते हैं तो गिरफ्तारी तक की नौबत आ जाती है। तो ये असहिष्णुता आई कहाँ से? हम बहुत लोकतंत्र के सब ठेकेदार बन चुके हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए लेकिन हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम एक दूसरे को सुन सके। बहुत हैरानी की बात है कि आप अभिव्यक्त करते हैं किसी को लेकर के ये गलत है, ये अनैतिक है, ये ठीक नहीं है और ये इस तरीके से कैसे हो सकता है, तो आपको पता चलता है कि आप उस जगह पर हो ही नहीं। अब कई बार हमारी जो लड़ाइयां हैं जिनको हम लड़ते हैं समाज में लड़ते हैं अपने आदर्शों की वजह से लड़ते हैं उनको केवल ये कह के खारिज कर दिया जाता है कि तो व्यक्तिगत लड़ाई है। जब लड़ाई को इतना छोटा आंक लिया जाए तो फिर जायज है कि सत्ता इतनी स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाएगी। जब हम सिद्धांतों की लड़ाई में नहीं खड़े होते हैं और हम मान लेते हैं कि ये सब व्यक्तिगत तौर पर हो रहा है तब मुझे लगता है कि जब लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी है तो हमें अपने मानदंड भी तय करने पड़ेंगे कि हम उस छोटे से छोटे लड़ाई को उतना ही महत्व दें जितना कि हम ये मानते हैं कि स्टेट हम पर जो हावी हो रही है हम उसको माने। तो मेरी चिंता कई मामलों में है। कमल भारती जी के साथ जो हुआ बेहद दुखद है। उनको जिस तरीके से ले जाया गया आधे कपड़ों में बनियान तक, उनको मैंने जब फोन किया था तो भाभी बहुत परेशान थी और सच में उनकी परेशानी सुन के मेरा दिल भी बहुत परेशान हो गया कि इतने बड़े राइटर को इस तरीके से ले जाना। और खैर जब इतने बड़े राइटर का ये हाल है, आम लोगों की तो हालत ही क्या होगी। हम जानते हैं कि कहाँ उनको कैसे उनको मार दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है। हमारे पास सोनी सोनी का केस है, शीतल साठे का केस है, सत्येंद्र मुरली एक राजस्थान का लड़का है जिसने केवल एक फेसबुक पे गांधी जी की फोटो शेयर की थी, उसकी अपनी ओरिजिनल फोटो नहीं थी, उसने कहीं से बनाई नहीं थी और एक वहां से उसने शेयर कर दी और वो लड़का अभी तक कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। महज 25 साल का लड़का सत्येंद्र मुरली और अभी तक उसको रिहाई नहीं मिली और उसकी मोटरसाइकिल थाने में खड़ी है और वो उसके नाना जी शायद राजस्थान सरकार में कुछ रह चुके हैं तब उसका ये हाल है। तो हम देख हमारा हम ये मानते हैं कि फांसीवादी ताकतें वर्चस्ववादी ताकतें इतनी मजबूत होती जा रही है और उनके मुकाबले हमारा जो गठबंधन है वो बहुत कमजोर है और कमजोर बीच बीच में ऐसी जब घटनाएं आती है तो वो उसको और तोड़ देती है। यहाँ तो एक अखबार का संपादक भी बहुत ज्यादा वो हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, वो आपकी आवाज बंद कर सकता है। तो साथियों चिंता इस बात की कि हमें जो लड़ाई को लड़ाई जो है वो एक बड़े लेवल पे लानी पड़ेगी। हमें अपने अंदर काम करना पड़ेगा कि हम कैसे इस जो हम असहनशील होते जा रहे हैं उससे लड़े और लड़ाई पॉइंट से लेकर के बड़े महामुद्दे तक जानी पड़ेगी। और अंत में मैं यही कहूंगी कि मुझे जो महसूस होता है मैं हम लोग बहुत समय से ये एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ दलित आदिवासी अल्पसंख्यक ओबीसी एक मंच पर आए और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इस सपने को सबने दिल में पाला हुआ है। तो हम जब हम एज ए राइटर एज ए एक्टिविस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग के अनुसार जब हम कुछ कहते हैं तो हम जो हैं
हमें अपने ऊपर भी पहरा लगाना होगा कि ये जो हमारा एक सुंदर समाज का जो सपना है उसमें कहीं ये इस तरह